राम राम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कन्वर्टर। सो दोस्तों, आज हम इस पेज का हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। एंड दोस्तों, आपसे एक चीज़ और शेयर करनी थी। अगर दोस्तों किसी के मोनेटाइज पेज बाय करना है, वो मोनेटाइज पेज को खरीदना चाहता है, तो नीचे अब मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखी है, ठीक है। आप वहाँ पर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, आपको मैं मोनेटाइज पेज दिला सकता हूँ। सो दोस्तों, अगर चाहिए तो नीचे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। एंड दोस्तों, किसी और को चाहिए तो उससे भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट करा सकते हो। एंड दोस्तों, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मुझे बता सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। एंड दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, शेयर करोगे तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीख पाएंगे। एंड दोस्तों, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। जो मेरे चैनल पर नए, लाल वाला बटन दबाई कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे न्यू वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पे फॉलोवर्स हम देख लेते हैं। फर्स्टली जो फॉलोवर्स दोस्तों आप देख पा रहे हो कि 1500 से ऊपर हैं, ठीक है। एंड जो रीच है बहुत ज़बरदस्त हैं, एक वीक के रीच 63,000 से ऊपर हैं। सो दोस्तों, इतने कम फॉलोवर में इतने ज़्यादा रीच होना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। पता नहीं कैसे किया है, बट भाई के पास कोई ट्रिक होगा। बट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं एंड कुछ का सॉल्यूशन देखते हैं। सो फर्स्टली हम पेज का इन्फो देख लेते हैं, ठीक है। तो पेज इन्फो को देखने के लिए हम यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर देते हैं। एंड यहाँ से हम पेज इन्फो देखेंगे कि पेज इन्फो में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। सो इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है पेज इन्फो का। एंड यहाँ पर हम क्लिक करके पेज इन्फो को देख लेते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग होता है लोगों का, जो नए क्रिएटर होते हैं, वो यहाँ पर गलती कर देते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, सेट है, बट यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन बड़ा और होता तो अच्छा लगता। एंड नीचे दोस्तों वेबसाइट भी, मतलब कि फ़ोन नंबर भी मिसिंग है, वेबसाइट भी मिसिंग है, एंड ईमेल भी। दोस्तों, फ़ोन नंबर मत डालो, कोई बात नहीं, वेबसाइट मत डालो, कोई बात नहीं, बट ईमेल एड्रेस ज़रूर डाल करके रखो, क्योंकि ब्रांड्स आपको कॉन्टैक्ट कहाँ से करेंगे अगर कोई बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है। क्योंकि बहुत सारे लोग फेसबुक पेज पर तो हैं, लेकिन उनका जो मैसेज बॉक्स होता है, इनबॉक्स होता है, अपने मैसेज बॉक्स वो कभी खोल करके देखते नहीं है कि कौन बंदा आपसे क्या बात करना चाह रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट ईमेल एड्रेस डालोगे तो ईमेल एड्रेस हर कोई पढ़ता ही है आज के टाइम में, तो ईमेल एड्रेस ज़रूर डाल के रखो, क्योंकि ब्रांड्स आपको कॉन्टैक्ट मतलब कि ईमेल से ही करेंगे, ठीक है, वो आपको मेल ही करेंगे। तो अपना ईमेल एड्रेस ज़रूर डालें। एंड यहाँ पे वॉच का सिंबल आता है, उसको ना आने दें। यहाँ पे एक सेंड अगेन का ऑप्शन आता है नीचे, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके मेल पर एक लिंक जाएगा, वहाँ से आप कन्फर्म करोगे उसको, तो यहाँ से ये वेरीफाइड हो जाएगा, तो ईमेल को वेरीफाइड कर दें। एंड दोस्तों, अपने ईमेल एड्रेस ज़रूर डालें पूरा, इट्स स्ट्रीट एड्रेस भी एंड सिटी भी एंड जिप कोड भी। ये क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं जो एलिजिबल नहीं है, फेसबुक को पता नहीं चलता है कि कौन सी एलिजिबल है और कौन सी नहीं, तो ये भरा होना ज़रूरी है, वरना तो फेसबुक पेज पर प्रॉब्लम आता है। एंड अर्ज ऑलवेज ओपन, ये ठीक है, ठीक है। सो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपको ठीक करना है, एंड ये सारी चीज़ें आपको ठीक कर लेनी है। एंड देन हम यहाँ पे पेज क्वालिटी को देख लेते हैं। तो मोर पे क्लिक करके पेज क्वालिटी देखते हैं कि पेज क्वालिटी पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद हम क्रिएटर स्टूडियो ओपन करेंगे। सो दोस्तों, आप देख सकते हो ये है, पेज पर कोई वायलेशन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन और वायलेशन, यहाँ तक तो ठीक है। एंड यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनको पता नहीं होता कि क्रिएटर स्टूडियो कैसे ओपन करें, तो यहाँ पर बटन देख सकते हो क्रिएटर स्टूडियो का मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप क्रिएटर स्टूडियो को ओपन कर सकते हो। मैंने ओपन करके रखा है, तो मैं डायरेक्ट वहाँ से चला जाता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो पेज का नाम, यहाँ पर पेज का नाम शो हो रहा है, खाना खजाना। एंड दोस्तों, नीचे हम मोनेटाइजेशन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखेंगे कि मोनेटाइजेशन के ऊपर, मतलब जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, इसके ऊपर कोई इशू तो नहीं है। सो यहाँ पर हम पॉलिसीज पे क्लिक कर देते हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो मोनेटाइजेशन के ऊपर एक इशू आ रखा है, एंड इशू क्या है वो आप देख सकते हो, प्रेजेंस नॉट इस्टेब्लिश। सो दोस्तों, मैंने काफ़ी बार आपको क्लियर किया है कि प्रेजेंस नॉट इस्टेब्लिश का इशू क्या है, काफ़ी अच्छे से मैंने बताया है। प्रेजेंस नॉट इस्टेब्लिश का मैं दोबारा बता देता हूँ कि क्या सीन होता है। दोस्तों, आपको, आप जब न्यू पेज फेसबुक पर क्रिएट करते हो, तो आपको 30 दिन तक फेसबुक पर रहना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो आप रहोगे, क्योंकि आपको इनकम करना है तो आप रहोगे। तो 30 दिन तक आप जब फेसबुक पेज पर रह लेते हो, फेसबुक प्लेटफॉर्म पर रह लेते, तो 30 दिन के बाद फेसबुक आपको परमिशन देता है कि अब आप अपने पेज को एलिजिबल कर सकते हो, फेसबुक पेज से इनकम कर सकते हो, चाहे वो ब्रांड कोलैब हो, चाहे वो इन स्ट्रीम हो, दोनों मोनेटाइजेशन को टूल को इनेबल कर सकते हो। बट 30 दिन रहना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 दिन के बाद आपको कुछ नहीं करना है। ये इशू रिमूव कैसे होगा? ऑटोमेटिकली होगा। बस फेसबुक कहता है कि 30 दिन तक यहां पे रहो, इसके बाद ये आप, मतलब ये सारी चीजें कर सकते हो जो मैंने अभी बताया। तो 30 दिन के बाद दोस्तों ये इशू खुद ही रिमूव हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड दोस्तों, रही बात आपकी कि आप पोस्ट कैसे डालते हो, तो पोस्ट दोस्तों ओरिजिनल पोस्ट डालो, कॉपी मत करो। एंड दोस्तों, पोस्ट के ऊपर कभी लाइक शेयर एंड पेज को फॉलो करो, ऐसा कुछ मेंशन मत करना। एंड जो एडमिन आईडी होती है, एडमिन आईडी से कभी अपनी पोस्ट को शेयर मत करना, लाइक मत करना। ये जो इश्यूज होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं एंड चिपक जाते हैं, फेसबुक पेज से चिपक जाते हैं बहुत टाइम के बाद, मतलब कि 90 डेज के बाद फिर ये रिमूव होंगे। तो 90 डेज तक आप, मतलब फेसबुक पेज से इनकम नहीं कर सकते, बस ये होगा, बाकी सब कुछ होगा, ठीक है।
सो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आपको मेरी बातें समझ में आती हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों शेयर करोगे तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीख पाएंगे एंड दोस्तों मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। सो दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं वो नीचे लाल वाला बटन दबाई कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएगा, जिसकी न्यू वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।